जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों माशाल्लाह शौक कर लें सियालकोट जोड़े हैं जी, ये जोड़ा नंबर वन है। शाम का टाइम है, लेट हो गया, मैंने वीडियो बनानी थी आज तो लेट होने की वजह से माजर की। बहरहाल जी शौक करें, पीछे नारा ये गोलमटोल था, ये बटेरी मादा साथ इसके, ये अली वाला एक मेरा बड़ा फेवरेट कबूतर था, ये उसका पट्ठा है, घर का पट्ठा है। अभी ये जिसकी हुई है 1 साल, ये जैसे ऐसे बड़ा होगा। पर इसके मैंने खींचे हुए थे, ख़राब हो गए थे, पर आ रहे हैं, दुम भी आ रही है, इसलिए आपको ये छोटा लग रहा है। ये जी जोड़ा नंबर वन है, ये आ गया जी जोड़ा नंबर टू, ये नारे आ गए जो गहरा है, ये पीछे जो है ये फीमेल है। चलता फिरता देख लें, इनके अंडे बच्चों की गारंटी है जी 200%। ये घर के ब्रीडर जोड़े हैं, कहीं से खरीदे हुए नहीं है, ये घर के जोड़े हैं, इसलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये आ गया जी तीसरे जोड़े का नर, और ये इसकी बटेरी माता, ये जो दीवार पे लगी, ये वाला जोड़ा जो है ये आपस में मिला नहीं हुआ, इसके साथ नर कोई और है, इसके साथ माता कोई और है, लेकिन ये अंडे बच्चे कर रहे हैं। कोई फॉल्ट वाला पीस मैंने निकाला नहीं है, आपको ऐसा ना लगे कि जी फॉल्ट वाले। अच्छा ये कबूतर जो है ये ना हब्बा है, लेकिन ये बूतर डालता है, बच्चे बड़े अच्छे पालता है। इसका पोटा देखे कैसे भरा है, ये इसके नीचे अभी एक बच्चा है, ये बच्चा पाल रहा है। टोटल 3 जोड़े और तीनों ब्रीडर हैं, 2 जोड़े आपस में मिले हुए हैं, 1 जोड़ा वो मिल जाएगा 2-3 दिन में ही। लोकेशन मेरी फैसलाबाद है, 0333-790-2551 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, लोकल नंबर भी यही है, डायरेक्ट आप कॉल किए जी। बंतर चेक करें, स्टैंडिंग चेक करें इनकी, बड़े शानदार पीस हैं ये। जिस भाई के पास जाएंगे इंशाल्लाह वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा, बच्चे ही अच्छे उड़ाते हैं और बच्चों की वापसी की भी गारंटी है। ये मादा के पंजे चेक करें, कितने शानदार है, खुश पंजे। मगरिब होने वाली है, मेरे माइंड से निकल गया था वीडियो बनाना, मैंने कहा फटाफट वीडियो बनाऊं, ये ना हो कि लेट हो जाए ज़्यादा, अभी थोड़ी सी रोशनी थी। ये बच्चे बड़े अच्छे, ये बच्चे ऐसे निकालते हैं गहरे कल से जो अली वाले, वो देखने में अली वाले लगते हैं। इस कबूतर की वजह से मैंने 110 कबूतर खरीदे थे एक दफ़ा। नहीं जी 3 जोड़े, लोकेशन फैसलाबाद, 0333-790-2551 व्हाट्सएप का नंबर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।